दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि चुनाव वाले प्रश्न को आप जो है कैसे जल्द से जल्द एक जो है ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पर पहला सवाल है, तो हम लोग पहला सवाल को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है उस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या ज्ञात करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से सवाल में क्या है कि कुल मिला के जो है वैध कुल मत को मान लेते हैं कि 100 मत था, मतों की संख्या हम लोग 100 मान लेते हैं। अब जो है इसमें सवाल में कहा जा रहा है कि इसमें 20% मत जो है अवैध घोषित हो गए, तो इसका 20% आप घटाइएगा तो इसमें से मात्र 80% जो है वैध मत हो गए। आपको इस तरीके से कर लेना है, तो वैध मतों की संख्या ये हो गई 80। अब जो है इसमें से जीतने वाला को 70% वोट मिलता है, तो जीतने वाला को 70% वोट मिलेगा, तो हारने कुल मिला के वोट है 80 को हम लोग 100% मान सकते हैं। तो जीतने वालों को 70% मिलेगा तो हारने वालों को कितना मिलेगा, 30% वोट मिलेगा। तो दोनों में दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 40% का। इसका मतलब है कि जीतने वाला जो है 40% ज्यादा वोट लाता है। तो यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है कि जीतने वाला जो है 40% ज्यादा वोट लाया और इस जो है 80 का 40% लाया। यहाँ से सारा खेल 80 पे अब चालू हो गया, 100 में से 20% क्या हो गया, अवैध। उसके बाद जो है आपका 80 बचा, 80 का 70% जो है जीतने वाला लाता है और 80 का 30% हारने वाला लाता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 40% है। तो यहाँ पर 40% जो है आपका जीतने वाले का जो है और हारने वाला का बीच डिफरेंस है, यानी 40% 80 का 40% वोट से जो है जीतने वाला जीतता है। तो 80 का 40% यदि हम लोग निकालते हैं तो 80 का 40/100, तो यहां से आपका इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 9600 मतों से जीतता है। तो यहां से देख सकते हैं इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 1 0 से 0, 2 0 से 2 खत्म गया, यानी 32/9600 है। 32 यूनिट का वैल्यू पता चल गया कि 9600 है। तो यहां से एक यूनिट का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो 9600/32। तो आपको निकालना है कि कुल मिला के कितने मत जो है वैध मतों की संख्या निकालना है। तो वैध मत कितने थे, 80। तो यहां से 80 का वैल्यू निकालना, एक का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1% का, तो 80% का निकालेगा, तो इसको 80 से गुना कर दीजिए, 9600/32×80। यहां से फिर यदि आप जो है इसको काटना चाहेंगे तो यहां पर काट सकते हैं, 16/85 या 16×32, 32 ही कट जाएगा आपका, 48×9600 जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से आएगा 0 0 8 5 40, 5 20 4 24, 24,000 जो है वोट वैध है और बाकी आप निकालना चाहते हैं तो 100% का भी वैल्यू निकालिएगा तो आपका जो है टोटल मतों की संख्या निकल जाएगा। अब हम लोग एक सवाल आप समझ गए हैं, अब दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे ये है, आप जो है इसको पढ़ सकते हैं और इसको वीडियो पॉज करके आप जो है बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दूसरा सवाल है आपका कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया, 12.5% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजय हुआ, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मान लेना है कि कुल मत कितने यूनिट है, 100 यूनिट है। कुल मत 100 यूनिट हम लोग मान लेते हैं। अब जो है आपको क्या करना है कि इसमें कहा जा रहा है कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया, तो यानी कि 100 मत थे उसमें से 20 लोग मत नहीं दिए, तो आपका बच गया कितना, 100 में से 20 लोग मत नहीं दिए तो यहां से आपका बच गया 80 मत, और 80 मत में से आपका जो है 12.5% मत अवैध घोषित हो गए। तो 80 मत का 12.5% आप निकालिएगा तो 80 का 12.5% मत क्या हो गया, अवैध। तो 80 का 12.5% का मतलब है 25/2, यहां से इतना मत जो है अवैध घोषित हो गया, बटे 100 कर लेते हैं, यहां से कितना मत अवैध घोषित हुआ पता चल जाएगा, 25×100 और यहां से 4×8 ये 10 बार में, यानी 10 मत जो है अवैध घोषित हो गए, तो आपका बच गया कितना, 70 मत। यहाँ से 70 मत वैध है और 70 मत जो वैध है तो वैध मतों का यहाँ पर
60% जीतने वाले को मिलता है और 40% आपका और हारने वालों को मिलेगा आपका 40%, 70 मत का 40%। तो हारने वाले और जीतने वाले में कितने का डिफरेंस है? जीतने वालों को मिला है 70 मत का 60% और हारने वालों को 70 मत का 40%। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना क्या है? 20% का। तो ये 20% का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है 5600, तो 70 मत का 20% हम लोग निकाल लेते हैं, तो 70 का 10% आपका 7 हो जाएगा, तो 20% आपका हो जाएगा 14। 2 से गुना कर देंगे, 10% बराबर 7 है, तो 20% बराबर 14। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि 10% बराबर क्या हो जाएगा? 70 का 10%, यानी 70 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 7 आ जाएगा। 20% निकालना है, तो यानी कि 7 को 2 से गुना कर दीजिए 20% बराबर, तो यहां से 14 आ जाएगा। तो 14 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है कि 5600 मतों से जीता है, तो यानी कि 14 मत बराबर दिया हुआ है 5600 यहां से। तो 1 मत का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 मत जो हो जाएगा 400 के बराबर यहां से। तो आपको निकालना है कि कुल मतों की संख्या, तो कुल मत हम लोग कितना माने हैं? 100। तो 100 का वैल्यू निकालना है, 1 मत का वैल्यू 400 पता चल गया, तो 100 मत का कितना हो जाएगा? 40,000। यानी कुल मतों की संख्या कितनी थी? 40,000। तो आप तो जो है इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं।